हेलो फ्रेंड्स, मैं जैन। आज दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं हार्ट से रिलेटेड एक नए मेडिकल कंडीशंस के बारे में, जिसका नाम है ट्रैकीकार्डिया। क्या होता है ट्रैकीकार्डिया, क्या उसके कॉजेस हैं और क्या उसके सिम्टम्स आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ट्रैकीकार्डिया जानने से पहले सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर ये हार्ट रेट होता क्या है। हार्ट रेट की अगर मैं आपसे बात करूं कि ये हार्ट रेट आपका मेजर करता है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, कि कितनी स्पीड है हार्ट बीट की आपकी। तो ये आपका हार्ट बीट हो गया, आपका हार्ट रेट कितनी होती है ये हार्ट रेट आपकी। नॉर्मल नॉर्मल जो आपकी हार्ट रेट है ये आपकी 72 बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन यही अगर एवरेज लिया जाए तो ये आपकी 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। तो ट्रैकीकार्डिया में ऐसा क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया में यही हार्ट रेट आपका 100 से अबव चला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, और यही हार्ट रेट आपका जो है 100 से कम है तो उसको हम मेडिकल कंडीशन डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। तो आखिर कितने तरीके की ट्रैकीकार्डिया होते हैं, तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है आखिर हम ट्रैकीकार्डिया कैसे पता करेंगे कि हमको ट्रैकीकार्डिया है। तो ट्रैकीकार्डिया यानी कि पल्स रेट या हार्ट रेट मेजर करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे कि आपका हार्ट रेट पता चलता है और आपका पल्स फील करके भी आपका पता किया जाता है कि कितना आपका हार्ट रेट चल रहा है। तो अब आपसे बात करूंगा कि कितने टाइप्स के ट्रैकीकार्डिया होते हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो में चार तरीके के ट्रैकीकार्डिया के बारे में बात करूंगा। नंबर वन साइनस ट्रैकीकार्डिया, नंबर टू आर्टेरियल फाइब्रिलेशंस, नंबर थ्री वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन और नंबर फोर है आपका वेंटिकुलर ट्रैकीकार्डिया। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे साइनस ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब तो आप जान चुके हैं कि हार्ट रेट आपका 100 से अबव है या फिर और ज्यादा, तो उसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे। लेकिन साइनस ट्रैकीकार्डिया क्या है, साइनस ट्रैकीकार्डिया एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें आपकी जो हार्ट रेट बढ़ रही है इसके पीछे की वजह दो है। क्या क्या है, आपकी एक्सरसाइज आप करके आए हैं या फिर आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो भी आपका जो हार्ट रेट है वो 100 से अबव है, तो आपकी जो ECG है वो ट्रैकीकार्डिया शो करेगी। तो एक्सरसाइज जैसे आप साइकिलिंग, वॉकिंग या रनिंग, स्विमिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपकी हार्ट रेट है तो उस कंडीशन में बोला जाता है साइनस ट्रैकीकार्डिया। और नंबर टू मैं आपसे बात करूंगा वो है आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। इसमें जो ट्रैकीकार्डिया का कारण है वो मेन कारण है कि जो हार्ट के हमारे चार चैम्बर होते हैं, दो आर्टेरियल और दो वेंटिकुलर, तो आर्टेरिया में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका डिसबैलेंस यानी कि ठीक से ना होने की वजह से जो ट्रैकीकार्डिया हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल ट्रैकीकार्डिया। और नंबर थर्ड है वेंटिकुलर ट्रैकीकार्डिया। ये क्यों होता है, इसमें जो इरेगुलरिटी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आती है वो आती है वेंटिकुलर चेंबर की वजह से। लेकिन क्यों क्यों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिस्टर्ब हुए, इसका कारण है आपका जो मसल्स में ब्लड सही से सप्लाई नहीं कर पाता है, जो कि आपका जो हार्ट की मसल यानी कि कार्डियक मसल्स है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है जो कि हार्ट की मसल्स को कोरोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है, वो सर्कुलेशन जो कि हार्ट को ब्लड पहुंचाता है। क्योंकि ब्लड कम पहुंच रहा है और ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है डिस्टर्ब हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेंटिकुलर ट्रैकीकार्डिया। और नंबर फोर और लास्ट में आपसे बात करूंगा जो कि वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन है। क्या होता है वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन में, इसमें भी आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिसबैलेंस हुआ है। कहाँ पे, वेंटिकुलर में। तो ये मैंने आपको बताया ट्रैकीकार्डिया क्या था और कितने टाइप्स के ट्रैकीकार्डिया थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रैकीकार्डिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आप कैसे फील कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपको ट्रैकीकार्डिया है। नंबर वन कि आपकी जो हार्ट रेट है बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर से आप चेक करेंगे तो आपका जो हार्ट रेट है वो 100 से अबव रहेगी। और अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप घर में भी चेक कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। आप अपनी थ्री फिंगर्स लेंगे और आपकी जो ये रेडियस बोन है इसके पास रेडियल आर्टरी जाती है, तो यहाँ पे थ्री फिंगर से आप अगर टच करेंगे, वन को कस के प्रेस करेंगे और मिडिल फिंगर से आप फील करने की कोशिश करेंगे और थर्ड से जो आर्टरी है उसको
दबा के रखेंगे तो आपको मिडिल फिंगर में जो पालपिटेशन फील होगा वो आपकी रेडियल आर्टरी का फील होता है। तो यहाँ से भी आप नंबर्स ऑफ पल्स काउंट करके आप पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट रेट कितना है। और नंबर सेकंड सिम्टम्स है क्योंकि आपकी पल्स रेट ज़्यादा है और आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई, क्योंकि वेंटिकुलर में ब्लड सही से फिल नहीं हो पा रहा और सप्लाई सही से नहीं है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो आप नंबर दो सिम्टम ये है। और नंबर थर्ड सिम्टम्स जो आपको आएगा वो बॉडी से एक्सेस स्वेटिंग होगी, मतलब आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा जब आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। और नंबर फोर्थ की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है आपके सिर में हल्का हल्का दर्द होगा। और नंबर फाइव जो मेन और सबसे खतरनाक सिम्टम माना जाता है, फेंटिंग, यानी कि चक्कर खा के गिर जाना। तो ये था आपका सिम्टम्स। अब मैं बात करता हूं आखिर हमको ट्रैकिकार्डिया होता ही क्यों है, इसके कॉजेस क्या क्या है। नंबर वन कॉजेस जो कि नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो वो है आपका फीवर, वायरल फीवर या फिर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपका ट्रैकिकार्डिया होता है। और नंबर टू, अगर कोई पर्सन लगातार क्रोनिक अल्कोहल ले रहा है तो उसको भी ट्रैकिकार्डिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और नंबर थर्ड है कि अगर आपको किसी हार्ट की डिजीज़ है, यानी कि हाइपरटेंशन है आपको, तो आपका भी हाइपरटेंशन में भी आपका जो ट्रैकिकार्डिया है देखने को मिलता है। और नंबर फोर्थ जो कॉजेज है इसका, वो है कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी में प्रेजेंट होने वाला कैफीन, कैफीन की वजह से भी आपका जो ट्रैकिकार्डिया है देखने को मिलता है। आखिर कैफीन में ऐसा क्या होता है? कैफीन में कैफीन एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्रेन में एक्साइटेशन का काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है बढ़ जाता है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ बढ़ा देते हैं। और नंबर सिक्स कॉज की मैं आपसे बात करूँ तो वो है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, कि मतलब आखिर बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि डिसबैलेंस होते हैं। कौन कौन से? मेनली तीन की बात मैं करूंगा, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये तीन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि हार्ट की कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और नंबर सेवन जो कॉज है इसका, वो है स्मोकिंग। तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक बताया कि क्या ट्रैकिकार्डिया था, क्या उसके साइन और सिम्टम्स थे और उसके कॉजेस क्या क्या थे। तो इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली साइंटिफिक और फैक्ट्स पे बेस्ड है और मेडिकल डेलीवरेशन पे बेस्ड है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी ट्रैकिकार्डिया के बारे में जिसको ना पता हो, शायद आपका एक शेयर किसी को होने वाली आगे की गंभीर प्रॉब्लम से बचा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।